पिंडी स्टेडियम में रन्स का सैलाब। कोटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। पिशावर जलमी ने पहले खेलते हुए 240 रन्स बनाए। बाबर आजम ने 115 रन्स की इनिंग्स खेली। बाद में ग्लैडिएटर्स के जेसन रॉय का लाठी चार्ज, बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 63 गेंदों पर 145 रन्स बना डाले। जेसन रॉय की इनिंग्स में 20 चौके और 5 छक्के शामिल। ग्लैडिएटर्स ने 10 गेंदें पहले ही हदफ हासिल कर लिया। इमरान खान हाजिर हों पीटीआई सरबराह तोशाखाना केस में आज नैब में तलब। नैब टीम ने 2 दिन पहले इमरान खान को नोटिस वसूल कराया था। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी को भी आज तलब कर रखा है। इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे पूछा गया है। पीटीआई ने लाहौर में रैली की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ा दी। जमान पाक को मैदान जंग बना दिया। केनाल रोड पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़पें। धर्मपुरा में कारकुनों ने पत्थर बरसा दिए। कंटेनर्स हटाने की कोशिश पर पुलिस की आंसू गैस शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। पथराव के बाइस 2 डीएसपी समेत 11 एहलकार जख्मी। इमरान खान की रैली के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम शहरी बशीर अहमद चौहान की दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि इमरान खान सेहत के मसाइल की बुनियाद पर अदालत में नहीं पेश हो रहे लेकिन रैली निकाल रहे हैं, इन्हें रोका जाए। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। गैर आइनी किरदार पर निशाने इबरत बनाना चाहिए। मरियम नवाज का बड़ा मुतालिबा। फैज हमीद ने 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने और 4 साल इमरान हुकूमत की हिमायत के जरिए मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया। बाबा जहमत कौम का सबसे बड़ा मुजरिम है। परवेज़ इलाही की ऑडियो में सिर्फ ट्रक की कहानी नहीं, मरासिम बहुत पुराने और बहुत मजबूत हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुकूमत नहीं इदारा ही कर सकता है। फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, पेशरफ्त हुई तो सामने आ जाएगी। वजीर दाखिला राणा सनाउला का मौकफ, कहा इमरान खान के अंजाम पर पहुंचे बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। राणा सनाउला ने पीटीआई मार्च को बर्गर मार्च करार दे दिया। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को ही होंगे, शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 15 मार्च को जारी की जाएगी। एतराजात 3 अप्रैल तक जारी किए जा सकेंगे। उम्मीदवार 5 अप्रैल तक कागजात वापस ले सकेंगे। 6 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। पंजाब में इलेक्शन का मामला, इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना और दाखिला को आज ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। वजारत खजाना से इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फरहमी का कहा जाएगा। वजारत दिफा और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट के हुकाम से 10 मार्च को मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 मार्च को वजीर आला पंजाब को भी बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन वफ्द और गवर्नर हाजी गुलाम अली की मुशावरत बेनतीजा खत्म। गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख देने के लिए मजीद 1 हफ्ता मांग लिया। अगले हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेंगे। विफाक का मरदमशुमारी से मुतालिक सिंध हुकूमत के तहफ़ुज़ात दूर करने का फैसला। मुराद अली शाह से चीफ शुमारियात की सरबराही में टीम की मुलाकात। वज़ीरे आला सिंध ने अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया। फील्ड ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी दी। इदारा शुमारियात का कहना है कि तमाम तजावीज़ काबिले अमल है, अमल दरामद किया जाएगा। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में जल्द बेहतरी आएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजर बरादरी को यकीन दहानी। कहा कौमें मुश्किल वक्त में मजीद ताकत से उभरती हैं, मौजूदा इम्तहान से सुरखरू होकर निकलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि डिफॉल्ट का खतरा टल चुका, मुल्क तरक्की करेगा। इसी हफ्ते IMF से मुआहदा हो जाएगा। 2 रोज कबल अहम नशिस्त में बिजनेस कम्यूनिटी का आर्मी चीफ से मुलाकात पर एतमाद का इजहार।
परवेज इलाही के दस्ते रास्त ने लंका ढा दी। मोहम्मद खान भट्टी के एतराफी बयान में सनसनी खेज इंकशाफात। मोनस इलाही से करोड़ों का नकद लेन देन किया। मोनस इलाही से उनके घर में मामला तय करता था। घोटकी में शुगर मिल्स से 25 करोड़ की चीनी खरीदी। रहीम यार खान की शुगर मिल्स में बजरिया मोनस इलाही 10 करोड़ का सरमाया लगाया। इमरान खान कानून का तमस्खर उड़ा रहे हैं। अदालतों के बुलाने पर मर्जी से पेश होते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के इमरान खान पर वार। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की अदलिया बचाओ तहरीक मुल्क के निजाम अदल के मुंह पर तमाचा है। अपनी चोरियों और जराइम पर अदलिया से बचाओ तहरीक के पीछे ना छुपो। इस्लाम खवातीन के हकूक का मुकम्मल तहफ़ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत पर तालीम का हसूल लाजिम करार दिया। बेनजीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वेमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा गैर मुस्लिम ममालिक में खवातीन को हिजाब के मामले पर तासुब का सामना है। जब अपनी राय देने की बारी आती है, जब कौम का मुस्तकबिल की डायरेक्शन देने की बारी आती है, जब कौम की तकदीर का फैसला करने की बारी आती है, तो उस फैसले की ज़्यादा ताकत आप ख़वातीन के पास है। फैसला करने की कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। वो खातून थी जिसने वो ग्लास सीलिंग्स जो है ना उनको तोड़ा और आगे आई और दूसरी ख़वातीन को हौसला दिया कि ख़वातीन अगर कोशिश करें मेहनत करें तो उस मकाम तक भी पहुँच सकती। बतौर खातून इमरान खान का नाम लेते बेइज्जती महसूस करती हूँ। पकड़े जाने के डर से बुजुर्ग बन गया। जब खवातीन पर आवाजें कसता है तब बुजुर्गी याद नहीं आती। मरियम नवाज का खवातीन के दिन की तकरीब से खिताब। कहा पहली बार सुन रहे हैं खवातीन एक मर्द की हिफाजत के लिए जा रही होती हैं। इमरान खान अपनी बेटी तस्लीम कर ले, अदालत से कहूंगी उसे नाअहल ना करें। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस पर अस्कुर नोटिस। स्पेशल जीआईटी ने पेशअप रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात जारी है। मुल्की और गैर मुल्की गवाहों के बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। जल्द जीआईटी दोबारा कीनिया और लंदन का दौरा करेगी। अदालत ने हर 15 रोज बाद पेशअप रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। पीएसएल का नुमाइशी वेमेंस मैच सुपर वुमेन ने जीत लिया। अमेजोन को 8 विकेटों से शिकस्त। सुपर वुमेन ने 133 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान निदा डार ने 23 और वॉलवर्ट ने 53 रन की।